तो बच्चों अब लास्ट क्वेश्चन है इसका। तो बच्चों बोल रहे हैं कि शमिता एक जो अकाउंट कर रही है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट में, ठीक है, और वो हर मंथ कितना पैसा भरती है, 2,000 रुपये। तो जो मेरे पे पी है वो है 2,000 रुपये, राइट। रेट है मेरे पे 10% पर एनम के हिसाब से, और शी गेट्स इतना एट अ टाइम ऑफ मेच्योरिटी। तो मेच्योरिटी वैल्यू भी मुझे गिवन है 8,310, राइट। मेच्योरिटी वैल्यू भी मुझे गिवन है, रेट भी गिवन है, प्रिंसिपल भी गिवन है। मुझे टाइम निकालना है बच्चों, बहुत ही इजी है बच्चों, मतलब मुझे एन निकालना है ना। तो बहुत ही इजी है बच्चों, देखो। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, इंटरेस्ट कर देता हूँ। इंटरेस्ट क्या होता है, पी एन एन प्लस वन अपॉन 100 इंटू टू इंटू 12 इंटू आर, राइट। तो देखो इंटरेस्ट निकालता हूँ, तो पी कितना है मेरे पास, 2,000, ठीक है। एन मुझे पता नहीं है, तो मैं लिखता हूँ एन एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12 इंटू 100 इंटू रेट कितना है बच्चों, रेट है मेरे पे 10, ठीक है जी। ये मेरे पे इंटरेस्ट आ गया जी, ठीक है। अब मेरे पे मेच्योरिटी वैल्यू क्या है, मेच्योरिटी वैल्यू क्या है बच्चों, देख ध्यान से देखो। मेच्योरिटी वैल्यू है पे इतनी, तो मेच्योरिटी वैल्यू का फॉर्मूला होता है पी इंटू एन प्लस आई, राइट। अब मेच्योरिटी वैल्यू की वैल्यू है मेरे पे 8,310 इक्वल्स टू पी, पी मेरे पे कितना है, 2,000। एन कितना है बच्चों, एन तो मेरे पे एन ही है, प्लस इंटरेस्ट कितना है बच्चों, ये पूरा इंटरेस्ट अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ, ध्यान से देखो, ये पूरा का पूरा उठा के मैं यहाँ रख देता हूँ, तो मेरे एन की वैल्यू आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो ये जाएगा 2,000 इंटू एन एन प्लस वन अपॉन टू इंटू 12, ठीक है, इंटू 100 इंटू 10 इंटू 100 इंटू 10, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको सॉल्व करता हूँ फर्दर आगे, और क्या आने वाला है आंसर वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप इसको अभी राइट डाउन कर लीजिए, नेक्स्ट पेज पे करता हूँ। तो बच्चों मैंने इसको लिख लिया है, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। देखो ये प्लस है, तो मैं इसको इधर इधर सॉल्व करता हूँ। जीरो से जीरो कैंसिल आउट, ठीक है, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल आउट, ठीक है जी। टू से 10 हो गया ये, ठीक है, ठीक है, ये हो गया काफ़ी, कर लेता हूँ मैं इसको। तो देखो 8,310 इक्वल्स टू 2,000 एन प्लस 100 इंटू एन एन प्लस वन अपॉन 12, राइट। अभी मैं इसको फर्दर सॉल्व करता हूँ, काफ़ी लेंदी होने वाला है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप आराम से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक है जी। इसको अब करते हैं सॉल्व, ठीक है। तो अब क्या करा जाए बच्चों, 8,310 इक्वल्स टू 2,000 एन प्लस, अब बच्चों मैं इसको सॉल्व करता हूँ यहाँ पे, क्या करा जाए, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 एन स्क्वायर प्लस 100 एन अपॉन 12, ठीक है बच्चों, ये ऐसा आ गया। अब मैं एलसीएम ले लेता हूँ बच्चों इन दोनों का, तो मैं इसको फर्दर पेज में सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं इसको फर्दर पेज में सॉल्व करता हूँ, तो ये 8,310 इक्वल्स टू 2,000 एन अपॉन 1 प्लस 100 एन स्क्वायर प्लस 100 एन अपॉन 12। तो मैं इसका एलसीएम लेता हूँ बच्चों, देखो क्या आ रहा है, एलसीएम लेके बच्चों 12 आएगा, तो ये हो जाएगा 12 इंटू ये एन, ठीक है, तो ये हो जाएगा 24,000 एन प्लस, ये तो सीधे सीधे 100 एन स्क्वायर प्लस 100 एन ही आएगा, इक्वल्स टू इधर था 8,310, राइट, ठीक है जी। इसको मैं इधर फेंक देता हूँ, ये हो जाएगा 8,310 इंटू 12 इक्वल्स टू, बच्चों ये आ जाएगा मेरे पे कितना, ये आ जाएगा मेरे पे 24,000 एन प्लस 100 एन प्लस 100 एन स्क्वायर, राइट। तो ये हो जाएगा कितना बच्चों, 24,100 एन प्लस 100 एन स्क्वायर अपॉन, हाँ ये, और इसको अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो बच्चों ये कितना हो जाने वाला है, मैं इसको यहाँ पे फर्दर सॉल्व यहाँ पे करता हूँ सॉल्व, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो देखो ये कितना होगा, ये होगा 8,310 इंटू 12, 1 2 जो 2, 3 2 जो 6, 8 2 जो 16, 1 1 जो 1, 1 3 जो 3, 1 8 जो 8, तो ये हो जाएगा बच्चों 2,700
9 9, तो ये 9 9 9 9 7 2, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 9 7 2, और ये दो जीरो मैंने लगाए नहीं, दो जीरो। अब देखो बच्चों, मैं इस पूरे को 100 से डिवाइड कर देता हूँ, तो देखो अब क्या हो जाएगा, मैं इसको नेक्स्ट पेज पे करता हूँ, तो ये हो जाएगा 9 9 7 2, ठीक है, इक्वल्स टू 2 4 1 n + n² इसको मैं सबको इधर, इसको मैं इधर फेंक देता हूँ, ये हो जाएगा n² + 2 4 1 n - 9 9 7 2 = 0। बच्चों ये आ गई क्वाड्रेटिक, और इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करो, ठीक है, इस क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे बच्चों, हाँ, तो इस ये क्वाड्रेटिक को आप सॉल्व करोगे ना, तो आंसर आपका क्या आने वाला है, एक्स की वैल्यू जो आएगी या फिर एन की वैल्यू जो आएगी आप पे, वो आएगी 36। कितनी आएगी बच्चों, 36। तो आप ये आप जरूर करना, एन की वैल्यू ये दो वैल्यू आएंगी क्योंकि स्क्वायर है, तो एन की दो वैल्यू आएगी, एक नेगेटिव में आएगी और एक आएगी पॉजिटिव में, ये 36 आपकी वैल्यू आने वाली है। और जो 36 आ गया, तो इसका मतलब 12 × 3 कितना होता है, 36, मतलब जो ईयर आने वाला है वो कितना होगा, 3 साल हो जाएगा, 3 ईयर्स। और बच्चों ये क्वाड्रेटिक आप सॉल्व करोगे बहुत अच्छे से, आपको आती है ये क्योंकि 9th में आपने की है ना। तो बच्चों थैंक यू सो मच, और इसके बाद हम कल करेंगे जीएसटी, राइट, जीएसटी चैप्टर हम कल करने वाले हैं, और बहुत अच्छे से आप बुक खरीद लीजिए, बुक देख लीजिए अच्छे से। ओके बच्चों, बाय बाय।